हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे मज़मून खेले करे सीखे में सबक सेहत के बारे में। सेहत नाम से आप बखूबी वाकिफ़ है, सेहत हमारी तंदुरुस्त रहती है, सेहत हमारी तंदुरुस्त रहना चाहिए और इस सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें कौन कौन से काम अंजाम देने चाहिए, तो हमारे रोज़मर्रा के मामूलात कैसे हो जिसकी वजह से हमारी सेहत तंदुरुस्त रहेंगी, चलिए आइए हम देखते हैं। अब ये हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में से है। सबसे पहले हम सुबह सवेरे उठते हैं, जल्दी उठना चाहिए। सूरज निकलने से पहले अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारी सेहत काफ़ी अच्छी, तंदुरुस्त और चुस्त और फुर्तीली रहती है। उसके बाद हम जाते हैं बैतुल खुला फारिग होने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। सब करते हैं ना ब्रश, हाँ वेरी गुड। उसके बाद हमारा मुंह धोते हैं, इससे क्या होता है हमें फ्रेश लगता है। जब हम ब्रश करते हैं तो हम रात भर जो सोते हैं उसके बाद हमारे लिए ब्रश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर मुंह धोने के बाद कोई नहाता है या फिर नहीं भी नहाता, लेकिन रोज़ाना नहाना चाहिए। ये हमारा रोज़ाना का मामूल होना चाहिए कि हम रोज़ नहाएं, ताकि हमारी बदन की सफाई भी होती रहे। उसके बाद हम अपने बालों को संवारते हैं, बाल बनाते हैं, बालों में कंघी करते हैं, बालों में तेल लगाकर उसको अच्छी तरह संवारते हैं। उसके बाद हम धुले हुए अच्छे कपड़े पहनते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता सुबह का बहुत ज़रूरी होता है। याद रखिए, स्कूल जाने से पहले या कहीं बाहर खेलने जाने से पहले आप नाश्ता ज़रूर कीजिए, और नाश्ता भी घर का बना हुआ होना चाहिए, जो कि बहुत हेल्दी और सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे हम हमारे जिस्म की सफाई, जैसे कि नाक साफ़ करते हैं, नाखून कट करते हैं, मुँह धोते हैं, बाल बनाते हैं, हाथ धोते हैं, हमारे कपड़े हम खुद घड़ी करके रखते हैं। ये सब क्या है, सफाई में आता है।